गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 एडिशन एक्सरसाइज सेकंड सी एडिंग बिगर नंबर। चैप्टर 2 में हमने आगे एडिशन सीख लिए हैं। आज जो हम एडिशन करने जा रहे हैं वो 4 डिजिट वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज रिटन 2456 प्लस 1032। व्हाट इज द आंसर? इट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें उसको अरेंज करना है वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड की प्लेस में, और सही से नंबर अरेंज करना है ताकि हमें एडिशन करने में कोई दिक्कत ना जाए। 6 + 2 = 8, 5 + 3 = 8, 4 + 0 = 0 एंड 2 + 1 = 3। तो इस तरह से हमें ये विदाउट कैरी वाले सम्स है तो आप आसानी से कर पाओगे। और अब आपकी एडिशन की जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तो आप ज़्यादा सम्स कर पाओगे। फाइंड द सम, यहाँ पर जो एडिशन है उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। 3 + 6 = 9, 9 + 0 = 9, 5 + 2 = 7, 3 + 2 = 5। सेकंड वन, 2 + 5 = 7, 1 + 8 = 9, 1 + 3 = 4, 6 + 1 = 7। थर्ड, 4632 + 2204, 2 + 4 = 6, 3 + 0 = 3, 6 + 2 = 8 एंड 4 + 2 = 6। सिंपल सम्स है तो आप ये एकदम स्पीड में कर पाओगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज एड, डू दिस सम्स इन योर नोटबुक्स। 6000 + 1000 ये सिंपल सम्स है तो जो वंस, टेंस और हंड्रेड की प्लेस है तो वहां पर जीरो आएगा और लास्ट में 6 + 1 है वो 7, सो आंसर इज 7000। द अदर साइड, 2050 + 5122, इसको अरेंज करके अगर हम लिखे तो 0 + 2 = 2, 5 + 2 = 7, 0 + 1 = 1 और 2 + 5 = 7। एक्सरसाइज सेकंड डी, एड डाउन, चेक द आंसर बाय एडिंग अप। यहाँ पर जो नीचे आंसर आता है तो उसको अगर हम नीचे की तरफ से एडिशन करें, जैसे कि 2 + 6 है तो हम 6 + 2 करें तो आंसर सेम आएगा। तो देखते हैं, 432 + 226, 2 + 6 = 8, 3 + 2 = 5 एंड 4 + 2 = 6। अब ये 658 है वो हम जो आपको साइड में दिख रहा है तो उस तरह से हम 658 ऊपर लिखे और उसको अगर हम इस तरह से ऐड करें, 6 + 2 = 8, 2 + 3 = 5 और 2 + 4 = 6 होगा, ठीक है। नंबर को अगर हम अप एंड डाउन करें एडिशन करने में, ठीक है, तो उसका जो सम है, उसका जो आंसर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 152 + 367, 2 + 7 = 9, 5 + 6 = 11, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 = 2 + 3 = 5। उसको अगर हमने दूसरी तरफ देखा है, 7 + 2 ले तो 9, 6 + 5 = 11, 3 + 1 = 4 एंड +1 = 5। अंडरस्टैंड? वन मोर एग्जांपल फॉर यू, 3122 + 2614, 2 + 4 = 6, 2 + 1 = 3, 1 + 6 = 7 एंड 3 + 2 = 5। द सेम द अदर साइड, सेकंड वन, 2164 + 1483, 4 + 3 = 7, 6 + 8 = 14, 1 carry, 1 + 1 = 2 एंड 2 + 4 = 6 एंड 2 + 1 = 3। हमने जो सामने किया है, 3 + 4 = 7, 8 + 6 = 14, 4 + 1 = 5 + 1 = 6 एंड 1 + 2 = 3। अभी वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 2 एडिशन
अभी आपकी जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 है उसमें ये वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से रीड करना है, ओके। यू हैव टू रीड केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अरेंज इन एडिशन फॉर्म एंड देन सॉल्व। नाउ लेट्स रीड। प्रीति मेड 9 बीड ब्रेसलेट। She used 98 beads to make the smaller bracelet and 176 beads to make the larger one. How many beads did she use in all? प्रीति ने 9 beads के bracelet बनाए हैं और उसने 98 beads जो है वो छोटे bracelet बनाने के लिए किए हैं use, और 176 beads जो है वो larger bracelet बनाने के लिए beads use किए हैं। तो total जो beads है वो कितने use हुए हैं? तो सबसे पहले हमें 98 और plus 178 को हमें अरेंज करना है, ठीक है, जो आप देख सकते हो। तो वंस की प्लेस के नीचे ही वंस का नंबर आना चाहिए, ठीक है। 98 के आगे आप देख रहे हो हमने 0 लिखा है, क्योंकि 176 में 1 है, वो 100 की प्लेस पे है और 98 तो 2 डिजिट का नंबर है, दैट्स व्हाई। नाउ 8 प्लस 6 इज इक्वल 14, 1 कैरी। नाउ 1 प्लस 9 इज इक्वल 10 एंड 10 प्लस 7 इज इक्वल 17, 1 कैरी ओवर। नाउ 1 प्लस 1 इज इक्वल 2। तो टोटल जो है उसने जो बिल्स यूज किए हैं वो 274 है, ओके। शी यूज 274 बिल्स। सेकंड वन, अदिति इज लर्निंग साइन लैंग्वेज इन अ स्पेशल स्कूल। शी लर्न 78 साइन इन द फर्स्ट 2 मंथ्स एंड शी लर्न 112 साइन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हाउ मेनी साइंस डिड शी लर्न इन ऑल। यहाँ पर 2 मंथ और 3 मंथ है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आपको जो है फोकस किस में करना है? साइन पे, ठीक है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा है? हाउ मेनी साइंस डिड शी लर्न इन ऑल। तो फर्स्ट 2 मंथ में 78 साइंस सीखी है और 112 है वो नेक्स्ट 3 मंथ में सीखी है। तो हमें उस तरह से 78 प्लस 112 को अरेंज करना है। नाउ 8 प्लस 2 इज इक्वल 10 एंड 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9 और 1 सेम रहेगा, तो 109 साइन लैंग्वेज उसने सीखी है। शी लर्न 190 साइन, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में है, ठीक है। ये 2 वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें जो ये वर्ड प्रॉब्लम है मैं रीड कर देती हूँ और थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर कर देती हूँ। द स्कूल कैंटीन सोल्ड 126 सैंडविचेस एंड 48 जूस कैंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। द सेम कैंटीन सोल्ड 102 सैंडविचेस एंड 38 जूस कैंस ऑन द सेकंड डे स्कूल। हाउ मेनी जूस कैन वर सोल्ड इन ऑल। अब आपको यहाँ पर 2 सम बनाने पड़ेंगे, 126 सैंडविच और 102 सैंडविच का प्लस करना पड़ेगा और 48 जूस और प्लस 38 जूस दूसरा सम बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि हाउ मेनी जूस कैंस वर सोल्ड इन ऑल। तो यहाँ पर जो हमें आंसर है वो जूस कैन का देना है, ठीक है। 126 सैंडविच और 102 सैंडविच का जो है अगर हम साइड में बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी जूस कैंस वर सोल्ड इन ऑल। तो जूस जो है उसका प्लस करना है, गॉट इट। अर्जुन कैन स्पेल 142 मोर वर्ड्स देन हिज यंगर सिस्टर एंड हिज यंगर सिस्टर कैन स्पेल 136 वर्ड्स ऑफ विच 45 आर 3 लेटर वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स कैन अर्जुन स्पेल इन ऑल, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है? 142 मोर वर्ड्स देन हिज यंगर सिस्टर है, ठीक है, और हिज यंगर सिस्टर कैन स्पेल 136 वर्ड इन विच 45 आर 3 लेटर वर्ड्स। तो टोटल जो है वो हमें यहाँ पर प्लस करना है, और ये जो सारा वर्क है, ठीक है, वो आपको आपके मैथ्स की नोटबुक में करना है। और मैथ्स की टेक्स्ट बुक में जो सम्स है एक्सरसाइज के वो भी आपको नोटबुक में करना है, देख देख के। थैंक यू।